ये तो सच में आपके बिजनेस पार्टनर मिस्टर कपूर की लाश है? नहीं, मर्डरर्स, आप लोगों कातिल हैं। मर्डरर्स, नहीं शिवा, नहीं बेटा, देख जो तू सोच रहा है वो गलत है बेटा। शिवा, हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। किसी भी नतीजे से पहुंचने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार, लेट अस एक्सप्लेन आवरसेल्व्स। जो मैंने अपनी आंखों से देखा है ना, उसके बाद मुझे किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है बड़े पापा। तो मैंने खुद नहीं देखा होता ना, तुम, मैं नहीं मानता कि आप लोगों के लिए मैं सबसे लड़ता रहा। वक्त, हालात, दुनिया, भगवान, यहां तक कि खुद से, क्योंकि मुझे आप लोगों पर भगवान से ज्यादा भरोसा था, गुरूर था मुझे आप लोगों पर, गर्व था कि मैं आप लोगों का बेटा। लेकिन अब नहीं, अब मुझे शर्म आती है। I can't breathe. अगर आपने मिस्टर कपूर को मारा है, इसका मतलब ये भी है कि कल्याणी मिल की आग आप लोगों ने लगाई है। आप लोग कातिल हैं, सैकड़ों मासूम लोगों के कातिल हैं आप सब। ऐसा मत बोल शिवाय, ऐसा मत बोल, ऐसा, ये सच नहीं है। माता रानी की कसम, हमने मिस्टर कपूर को नहीं मारा। जो तू देख रहा है वो आधा सच है, पूरा सच तो हम लोग भी नहीं जानते, लेकिन मिस्टर कपूर को हमने नहीं मारा। ये बिजनेस मीटिंग के लिए गए हैं, वो भी आधी रात को। एक बात और नहीं सुनूंगा, मुझे अब तक सच नहीं पता था आप लोग मुझे झूठ बोलते आए, लेकिन अब नहीं, अब मैं जान गया हूं, देख लिया है मैंने आप लोगों को। अगर आप लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं होता ना, तो आप यहां मिस्टर कपूर की बॉडी नहीं निकाल रहे होते। कभी कभी आंखों देखा सच नहीं होता है शिवाय। मानता, लेकिन ये कैसे मान लूं कि आप लोग जो आप बोल रहे हैं वो सच। मेरी बात सुन बेटा, तुझे जो फैसला लेना वो तू ले लेना बेटा, लेकिन उससे पहले बेटा शिवा, बस एक बार तू हम सब की पूरी बात तो सुन ले। जिस दिन कल्याणी मिल में आग लगी थी ना, उस दिन मिस्टर कपूर ने हमें यहाँ फैक्ट्री से फोन किया। अभी के अभी तुम दोनों फैक्ट्री में आओ। जी। और हमें यहाँ बुलाया था, लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे तब हमने देखा कि मिस्टर कपूर ऑलरेडी मरे हुए थे। हम सब के सब डर गए थे, इसलिए हमने पुलिस को नहीं बताया। और जब पुलिस को ही उसकी लाश नहीं मिली, तो हमने सोचा कि चुप रहना ही बेहतर है। आपने सच सच नहीं कहा, इसका मतलब आपने सच को दबाया। हमें और कोई चारा नहीं था शिवाय। एक तो हम अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाते, और दूसरा ये भी इल्जाम हम पर लग जाता कि कल्याणी मिल को आग हमने लगाई है। हम लोग जेल चले जाते और तुम सब सड़क पे आ जाते। बस इसीलिए बेटा सिर्फ यही एक वजह थी कि हम सब चुप रहे। एक माँ अपने बच्चे की झूठी कसम तो कभी नहीं खा सकती ना शिवाय। तो आज ही माँ अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के कह रही, हमने मिस्टर कपूर को नहीं मारा शिवाय, नहीं हमने मिल में आग लगाई। इतना विश्वास तो तू कर सकता है ना कि तेरी माँ तेरी झूठी कसम नहीं खाएगी? मैं मानता हूँ, लेकिन लगता है भौजाई बड़े भैया से बहुत गुस्साए हुए हैं। पर होना भी चाहिए, भैया बिना बताए बिजनेस मीटिंग के लिए चले गए, वो भी आधी रात को। एक मिनट, हमारा शिवाय आधी रात को मीटिंग के लिए गया, ऐसा कौन सा क्लाइंट है? आराम से, मैं बताती कि कोई अंग्रेज है जिसे सुबह जाना था जल्दी, तो कोई अंग्रेज है। अच्छा, पर भौजाई, एक मिनट, अंग्रेज है या अंग्रेज जिन रोमनिया? तुम लोग हाँ क्या कर रहे हो? मैंने पूछा ही नहीं कि कौन है। ठीक है मीटिंग, हाँ ठीक है भाभी, आपने नहीं पूछा, लेकिन शिवाय ने भी तो नहीं बताया ना, है ना? बताया उसने नहीं ना? और
ये कितना कितना अच्छा मौसम हो रहा है यार, रोमांटिक। हाय। और ऐसे रोमांटिक मौसम में कोई मीटिंग करता है? नहीं, गलत। अरे कोई नहीं यार, अरे कम से कम भैया ने ये तो बताया ही होगा कि वो मीटिंग के लिए जा कहाँ पे रहे हैं। एग्जैक्टली, कहाँ गए? ये तो बताया होगा। तो कैसा सवाल भी कैसा पूछ रहे हो तुम लोग? हाँ, अपना वहाँ गए हैं, अपना ऑफिस में गए हैं मीटिंग करने। भाभी यूसुफ क्यों? रात हो गई, ऑफिस बंद हो गया, सब घर चले गए, तो ऑफिस इस वक्त ऑफिस बंद होता है। अरे तो होटल गए होंगे ना? होटल में वो भी आधी रात को, वो भी इतने रोमांटिक मौसम में, और वो भी अंग्रेजन के साथ, वो भी भाभी को बिना बताए। यही बात मैं भी तेरी कसम खा के बोल सकता। अगर कसम खाने पे तुम्हें हमारी बात पर यकीन हो जाएगा तो तू बोल, मैं किसी की भी कसम खाने को तैयार। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे लिए ओमकार और रुद्र और तुम्हें कोई फर्क नहीं शिवाय। अगर तुम कहो तो मैं तुम तीनों की कसम खाने के लिए तैयार हूँ। रश्मि, हम में से किसी ने कुछ नहीं किया शिवाय। क्या बात है, कितना आसान है ना, झूठी कसम खाओ और सच्चे साबित हो जा। रूप, तू यहां क्या कर रही है? शिवाय को आप लोगों की असलियत दिखाना चाहती थी जी। हम बता रहे हमें ना कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ तो मुझे भी लग रही है। अच्छा तुम लोग मेरे साथ हो ना, तुम मुझे बताओ ना मैं क्या करूं। हाँ, मैं बताता हूँ। बता। कॉल बिल्लू। क्या? हाँ, और एकदम रोक के साथ, एकदम बिजली की तरह कड़कते हुए पूछो कहाँ गए, किसके साथ है, कौन सी वुमन या के साथ, और कब तक आएंगे वापस। हाँ, और एक मिनट पहले ये पूछ लेना कि वापस आने चाहते भी हैं, स्टे करने वाले हैं। हो सकता है यार। You're right. क्या happened? Call बिल्लू। बिल्लू। एक मिनट। कड़क। Okay. SSO. Speaker. देखा शिवाय? रंगे हाथों पकड़े गए तो अल्लाह की झूठी कसमों पे उतर आए ये लोग। मैं तो जानती थी कि ये लोग मेरे नहीं हुए, लेकिन जो अपनी औलाद का नहीं हो सकता वो किसी और का क्या होगा। क्या बकवास कर रही हो तुम रूप? सच कह रही हूँ वीर जी, सच है, इसीलिए आपको कड़वा लग रहा है। ये लोग आधे सच की बात कर रहे थे ना, मैं तुम्हें पूरा सच बताती हूँ। और पूरा सच ये है कि उस दिन मैंने अपनी आंखों से खुद इन्हें मिस्टर कपूर को मार के इनकी लाश को दफनाते हुए देखा। What nonsense! शिवाय, बेटा ये झूठ बोल रही है। इसकी बातों में यकीन मत करना शिवाय, ये झूठ बोल रही है। तू झूठी है, इसका तो मुझे पहले ही शक था, पर इतनी मक्कार निकली कि ये आज पता चला। शर्म नहीं आती हमारे मुंह पर झूठ बोलते हुए, चुप चुप के हमारी बातें सुन रही थी। शिवाय इसकी बातों में मत आना, ये झूठ बोल रही है। ठीक है, मैं झूठ बोल रही हूँ तो क्या ये फोटोज भी झूठ बोल रहे हैं? सच क्या है तो खुद अपनी आंखों से देख ले। देख लिया ना, जान लिया ना कौन सच्चा कौन खूनी। फोन बंद कर दे। थैंक यू। अब तो पक्का कुछ गड़बड़ है।
भाभी मैं काम करता हूँ, मैं एक बार ट्राई करता हूँ, शायद नेटवर्क का इशू हो आपके फोन में। ऐसा कभी होता ही नहीं, जितनी भी बड़ी मीटिंग हो, कोई भी क्लाइंट हो, शिवाय अपना फोन स्विच ऑफ कभी नहीं करता। और अगर हम में से कोई भी उन्हें फोन करे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो फोन ना उठाए। और अभी हम मस्ती कर रहे थे आपको चलाने के लिए, सॉरी, पर हमें नहीं पता था कि मैटर सीरियस है। भाभी भैया जाने से पहले कुछ बताकर गए थे क्या? कुछ भैया क्यों इतना परेशान हो रही है? ऐसा भी तो हो सकता है ना, वो बैटरी चली जाती है ना, बड़े भैया के फोन की बैटरी चली गई होगी, स्विच ऑफ हो गया है ना, इसीलिए सब ठीक होगा। वो ये फोटो किसने खींची और तुम्हारे पास कैसे आई? Oh my God! इसका मतलब ये सब तूने किया है? इसका मतलब फोटो तूने खींची थी हम सबको फंसाने के लिए? ना बड़ा षड्यंत्र, will kill you, I will kill you। भाई साहब नहीं, अरे बाबा नहीं, तू ना बहन के नाम पे धब्बा धब्बा। अरे डायन भी सात घर छोड़कर बाहर करती है, तूने तो अपने घर वालों की मैं माता कर दी। घर वाले थूकती हूँ मैं ऐसे घर वालों पर। जिनके लिए अपनी झूठी शान घर की बेटी की खुशियों में भरकर है, जिन्होंने अपनी बेटी को घर से निकाल दिया और उसे इसका हिस्सा तक नहीं दिया, जिन्होंने बेटी की गलती की इतनी बड़ी सजा सुना दी कि उसे उसके बच्चे से दूर रहना पड़ा। मैं पूछती हूँ, अगर गलती मेरी थी तो सजा मेरे बेटे वीर को क्यों दी गई? वीर तेरा बेटा है? हाँ। वीर मेरा बेटा है। वो बेटा जिसे माँ के होते हुए भी माँ का प्यार नहीं मिला, तुम लोगों की वजह से औलाद के होते हुए भी बाँ जैसी जिंदगी गुजारी है मैंने। तुम्हारी छोटी शान के खातिर बरसों तड़पी हूँ अपने बेटे के लिए बरसों, और अब जब मुझे मिला तो तुम लोगों ने उसे जेल भिजवा दिया। मेरा बेटा फिर से मुझे दूर हो गया। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। एक माँ का दिल दुखाया तुम लोगों ने और इसका बदला मैं लेकर रहूंगी। एक मिनट, वीर जेल गया अपनी हरकतों की वजह से, आपकी वजह से। अगर आपने उसके दिमाग में हमारे खिलाफ जहर नहीं भरा होता तो आपको आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। बदले के जुनून में आप ये भूल गए, सच को छुपाया जा सकता है लेकिन बदला नहीं जा सकता। So glad आपने मुझे आज यहाँ बुलाया और मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। मुझे ये भी समझ आ गया कि सच वही है जो मेरे घर वाले बोल रहे हैं, सच वही है जो ये मेरे 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 लोग बोल रहे हैं। और रही बात इन तस्वीरों की ना, तो हम इनकी क्रेडिबिलिटी को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। यस, तुम चाहे कुछ भी करो शिवाय, लेकिन मैं फिर भी साबित कर दूंगी कि मिस्टर कपूर का कत्ल इन लोगों ने किया है, क्योंकि मैंने आज भी इन लोगों की तस्वीरें खींची। ये बात तो कोर्ट भी पूछेगी कि तब नहीं मारा था तो आप क्यों लाश को बाहर निकालने आ गए? हमने मिस्टर कपूर को नहीं मारा। ये आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन कोर्ट में कैसे साबित करोगे परजाय जी? जब ये पुरानी वाली फोटोज और नई वाली फोटोज मीडिया वालों तक पहुंचेगी तो सोचिए क्या ब्रेकिंग न्यूज होगी। कल्याणी मिल्स केस में एक नया सनसनीखेज मोड़, मिस्टर कपूर का कातिल ओबेरॉय। और फिर ये बात भी साबित हो जाएगी कि मिल में आग तुम लोगों ने लगाई है। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी, याद है? अब मेरी बारी, मेरी बारी।
क्लियर हो गया कि मिस्टर कपूर को आप लोगों ने नहीं मारा, तो फिर सवाल ये उठता है कि मिस्टर कपूर का मर्डर किसने किया? एक सेकंड शिवाय, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मर्डर भी उसी ने किया हो जिसने फैक्ट्री में आग लगाई थी। आप लोगों को किसी पर शक है? नहीं, उस वक्त भी हमने पता लगाने की कोशिश की लेकिन कुछ पता ही नहीं चला। कोई तो होगा ना, किसी के बारे में कुछ सोचने की कोशिश कीजिए बड़े पापा, कुछ तो याद होगा। कोई नाम? उस वक्त एक नाम उछला था हमारे कंपनी के फोरमैन का, लेकिन उसका नाम क्या था? क्या था उसका? हाँ, मैंने भी वैसे कुछ आर्टिकल पढ़ा था इस बारे में। आए काम कीजिए, रात काफी हो चुकी है, आप लोग चलिए, मैं आता हूं। ना मेरी बात सुनो, मुझे कल्याणी मिलके फोमन, क्या 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 नाम, हर्षवर्धन त्रिवेदी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके, जस्ट गेट ऑन इट। अगर हमें हर्षवर्धन त्रिवेदी के बारे में पता चल जाए तो बहुत कुछ पता चल जाएगा। यही तो मैं चाहती हूँ शिवाय, तुझे हर्षवर्धन त्रिवेदी के बारे में पता चले। हर्षवर्धन त्रिवेदी ही वो कड़ी है जो तेरा और अनिका का रिश्ता तोड़ देगी। आखिर वो अनिका का बाप जो है। बेचारा शिवाय, क्या करेगा तू जब तुझे पता चलेगा हर्षवर्धन त्रिवेदी जिसने कल्याणी ने उसको जलाया था और जो मिस्टर कपूर का कातिल है वो अनिका का बाप। अनिका पे क्या बीती जब उसे पता चलेगा कि वो उनकी बीती। बड़ा मजा आएगा दांतों दांतों में। शिवाय, शिवाय अभी तक नहीं है। कोई कॉल भी नहीं है, कोई मैसेज भी नहीं, लगता कमरे में होंगे। शिवाय, 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 शिवाय अभी भी नहीं है। इसका मतलब अभी तक लौटे ही नहीं है। शिवाय प्लीज प्लीज फोन उठाइए, प्लीज स्विच ऑफ। कहाँ है? सर ना, मैंने तुम्हें बताया था ना, मुझे कल्याणी मिल के फोरमैन हर्षवर्धन त्रिवेदी के बारे में पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तुमने निकाली? जी सर, मुझे मिल के मैनेजर शुक्ला ने ये फाइल दी है। इस फाइल में सभी स्टाफ के रिकॉर्ड्स हैं। आई एम श्योर हर्षवर्धन त्रिवेदी के बारे में भी इसमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसमें तो सिर्फ उनके एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, मुझे पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फैमिली, वो सब। सर मुझे शुक्ला ने कहा था इसमें एड्रेस भी होगा। सर इतने साल हो गए, मुझे नहीं लगता इस एड्रेस पे कोई रहता होगा। हाँ, फिर भी कोई क्लू, कोई सुराग, कुछ तो मिलेगा खाना मुझे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।